हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांपुरान। जैसा कि जेपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है, ये देखिए आपका जो प्रेस विज्ञप्ति है आपके सामने है कि दिनांक 17 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसका प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है, जो कि आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि भी यहाँ पर दे दिया है। तो एडवांपुरान टीम के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को जिन्होंने पहला पायदान फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट किए, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे का जो आगामी है मेंस एग्जाम, ठीक है, उसको फोकस कीजिए, किसी भी तरह के भटकाव में मत रहिए। एडवांपुरान की टीम के द्वारा से हमेशा से बतलाया गया है कि भटकाव में मत रहिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए। अब देखिए तो 22/6 और 24/6 के समय मतलब कि संभावित मुख्य परीक्षा जेपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा रिजल्ट का ये इस तरह से रिजल्ट आया है तो ये आपको बतला दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें कट ऑफ कितना गया है भाई, तो कट ऑफ भी यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो 123 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो चाहे आप अनरिजर्व के हो, बीसी वन के हो, बीसी टू के हो या फिर ईडब्ल्यूएस के हो, 123 क्वेश्चंस आप लोग किए हैं क्लियर, तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एससी एसटी के लिए देखिए 236 मार्क्स है, एसटी के लिए 224 मार्क्स है। उसी तरह से स्पोर्ट्स के लिए, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए, पीडब्ल्यू के लिए यहां पर देखिए दिया हुआ है। इसको चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है एडवांपुरान का, उसमें शेयर कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से एडवांपुरान टीम के द्वारा। अच्छा, जिसका नहीं हो पाया है तो उसको भी हताश, उदास, निराश नहीं होना है, आप लोग अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखिएगा, ठीक है। और भटकाव में मत रहिए कि हाईकोर्ट में मामला है कि ऐसे है कि वैसे, वो सब चीजों में मत रहिए। देखिए पीटी का रिजल्ट आया है, मेंस भी बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब संभावित तिथि जो बोल रहा है यहां पर, हम लोग सीधे ऊपर चलते हैं, ठीक है। संभावित तिथि जो दे रहा है कि 22/6 से लेके 24/6, यानी कि 22 जून का लास्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन होना ही है। तो आप लोगों के पास अभी जो भी समय है, जो 50 दिन है कि 60 दिन है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इस पे सिर्फ और सिर्फ पूरा ताकत अपना झोंक दीजिए, ठीक है। एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी अपना जेपीएससी मेंस की आप लोग शुरू कीजिए। और जो भी जेपीएससी मेंस में नागपुरी लैंग्वेज लिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए एडवांपुरान की टीम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा, उसमें व्हाट्सअप करके कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, पेड बैच है, हम लोग फोर्स करते हैं कि आप लोग हैंड राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। तो वैसा अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, नागपुरी के लिए स्पेशली। चलिए तो विश यू ऑल द बेस्ट फिर से आप लोग को कहेंगे, आपके आगामी एग्जाम के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, जिनका नहीं हुआ है उनको भी हताश निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी जो है वो आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। वो कहा जाता है ना, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, इस तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कहा जाता है कि ऐ वतन की रेह मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, तो पनिया यहीं से निकलेगा, जम के आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जो भी अपना आगे का डिटेल्स होगा उसको बहुत जल्द आप लोग के सामने बतलाया जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जोर शोर से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।